इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। लगभग सैकड़ों बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। नमस्कार, मेरा नाम नितेश सुमन और स्वागत है आपका UMS स्टडी ग्रुप में। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, मेघदूत इसके लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन से कालिदास, विशाखा दत्त, बाण भट्ट या फिर आशुघोष। आप सब को इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट में और मैं इस प्रश्न का जवाब इसी वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के नौ रत्नों में से एक था। नौ रत्न जो अब अकबर की सेवा करते थे, उनमें उसे मार्गदर्शन करते थे, तो अकबर के दरबार में कुल नौ रत्न थे और उन्हीं में से एक था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी। आगे बढ़ते हैं, यह है अष्टाध्यायी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। इंडिका ये लिखी थी मेघस्थित नीज ने। मैं बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है, सैकड़ों बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कामसूत्र ये लिखी है वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। राजतरंगिणी इसके लेखक हैं कल्लण। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्लण। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फर्म याद हो जाए, और अगर फिर भी नए होते तो आप वीडियो को एक से दो बार देखिए, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के लेखक हैं शोभा डे। आईने ए अकबरी ये लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखी और आईने ए अकबरी ये भी लिखी अबुल फजल ने। डिवाइन लाइफ इसके लेखक हैं शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। इंटरनल इंडिया इसके लेखक हैं इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, इंट करके याद रख पाएंगे। माई ट्रुथ के लेखक भी हैं इंदिरा गांधी, और एक और किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो उसके लेखक हैं महात्मा गांधी। दोनों अलग अलग बुक हैं, ध्यान रखना। मिलिंद पन्हो के लेखक हैं नागसेन। शाहनामा ये लिखी थी फिरदौसी ने। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा ये लिखी थी बाबर ने, जो कि बाबर की आत्मकथा है, यानी कि इसे स्वयं लिखा था बाबर ने। आत्मकथा उसे बोलते हैं, खुद की जीवनी खुद ही लिखना। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है, और अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन है, ना कि रुपये पैसे से संबंधित, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। हुमायूं नामा की अगर हम बात करें तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। विनय पत्रिका ये लिखी थी तुलसीदास ने, और रामायण ये भी तुलसीदास ने लिखी थी। रामचरितमानस जिसे बोलते हैं। गीत गोविंद इसके लेखक हैं जयदेव। बुद्धचरितम की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। बुद्धचरितम अश्वघोष। यंग इंडिया ये लिखी थी महात्मा गांधी ने, और मैंने आपको एक और बुक बताई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। माई गुडी डेज, यहाँ पर माई गुडी डेज इसके लेखक हैं आरके नारायण। माई गुडी डेज के लेखक हैं आरके नारायण। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। हरचरित ये लिखी थी बाणभट्ट ने। हरचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त या विशाख दत्त। हितोपदेश ये कहानियाँ हितोपदेश की ये लिखी थी नारायण पंडित ने। अंधविश्वास ये लिखी थी सागरिका घोष। आते हैं उसी प्रश्न जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। कालिदास ने लिखी थी मेघदूत, और कालिदास ने कुमार संभवम भी लिखी थी, तो इसे भी आप ध्यान रखना, कुमार संभवम।
तो यहाँ पर अंत है इस वीडियो का, अगले वीडियो में मिलेंगे।